प्यारे बच्चों, आज हम एक उकाब और एक कवे की कहानी सुनेंगे। एक दफा का जिक्र है, किसी पहाड़ की चोटी पर एक उकाब रहता था। पहाड़ के नीचे दरख्त पर एक कवे का भी घोंसला था। कवा रोज उकाब को देखता था। एक दिन कवे ने उकाब को पहाड़ से उड़कर नीचे आते देखा। वो दरख्त पर ही बैठा हुआ था। उकाब नीचे उतरकर एक भेड़ के बच्चे पर झपटा और उसे पंजों में दबाकर उड़ गया। आपको पता है ना, उकाब तो बहुत बड़ा सा जानवर है। कवा ये देखकर दिल में कहने लगा, मुझे भी इसी तरह शिकार आना चाहिए, काश मैं भी ऐसे शिकार कर सकूं। एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं भी आज उकाब की तरह शिकार करता हूँ। ये सोचकर वो एक भेड़ के बच्चे की पीठ पर आ बैठा, मतलब उसके ऊपर आ गया। उसके ऊपर आके उसे पकड़ने की कोशिश की और अपने पंजे उसकी ऊन में अच्छे से जमा लिए। उसने सोचा मैं भेड़ के बच्चे को लेकर उड़ जाऊंगा, पर उसने बहुत जोर लगाया मगर भेड़ के बच्चे को लेकर उड़ ना सका। ये तो इतना भारी है, मैं तो इसको लेके उड़ ही नहीं सकता रहा, अब मैं क्या करूं? जब उसने देखा कि कोशिश करना बेकार है तो उड़कर भाग जाना चाहा। उसने सोचा शिकार को छोड़ो, मैं खुद ही भाग जाता हूँ। मगर उसके पंजे भेड़ के बच्चे की ऊन में फंस गए थे। वो किसी तरह नहीं छूटते थे क्योंकि भेड़ के बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा वूल थी। अब तो कौवा बहुत घबराया और जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। इतने में वहां पर भेड़ का मालिक यानी गडरिया आ गया और उसने कवे को पकड़ लिया। शाम को गडरिया घर लौटा तो बच्चों के खेलने के लिए कवे को भी साथ लेता गया। उसने अपने बच्चों से कहा, इस कवे का ख्याल था कि मैं उकाब हूँ, मगर आज इसको मालूम हो गया कि मैं तो असल में कवा हूँ। इसीलिए ये सच किसी ने कहा है कि अपनी असलियत को पहचानना चाहिए और दूसरे लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए। जो हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं।